शालिनी मोहन प्रधान और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है क्रिस्टल। हम आज बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन हैं लेकिन आज मैंने ऐसे ऐसे स्टोन्स खरीदे हैं जो कि नॉर्मली दिल्ली के मार्केट में या इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। तो आज मैं जयपुर आई और मैंने ढेर सारे पैसे खर्च किए और बहुत अच्छे अच्छे स्टोन लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टोन जिसके बारे में सोचते ही हॉन्टेड सी फीलिंग आती है। ये है रेड जैस्पर। ये आप अगर गूगल करेंगे ना गूगल इमेज में तो रेड जैस्पर का स्कल बहुत मिलता है। फॉरेन कंट्री में लोग लगाते हैं अपने दरवाजे पे। छोटा सा स्कल होता है, फिंगर रिंग इतना बड़ा होता है। इट मीन्स जितने अंगूठी का नग होता है उतना बड़ा होता है। बट वो लोग अपने दरवाजे पे लगाते हैं भूत भगाने के लिए। हॉन्टेड हॉन्टेड से फीलिंग आती है। बट ये अच्छा है, भूत नहीं भागेगा तो कम से कम आप बच सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से। इसे हम दरवाजे के अंदर वाले दीवार पे लगाते हैं ऊपर किसी तार से बांध करके। ये मैंने खरीदा है, ये 33 ग्राम का था और ये मुझे 1900 का पड़ा। नॉर्मल मार्केट में जाएंगे तो 5000 तक का आपको मिल जाएगा। ये स्टॉकिस से मैंने लिया है बट इसका असर बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये रेड जैस्पर है तो ये वही यूज़ करें जो भूतों से बहुत डरते हैं, जिनको लगता है उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई खड़ा है। तो बिल्कुल लगाएं अपने दरवाजे पे और मज़ा ले फिर बिना भूतों के घर का। नेक्स्ट स्टोन देखते हैं। आपने देखा ये था एमेथिस्ट जिसे इंडिया में हम जमुनिया भी कहते हैं। ये जमुनिया सेमी प्रेशियस स्टोन में ही आता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको नाइटमेयर्स बहुत आते हैं, गंदे सपने, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसको पिलो के नीचे रख सकते हैं जिससे आपको बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे। प्लस जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन रहता है और किसी भी मेडिसिन से नहीं जाता है और डॉक्टर के इलाज में कुछ भी नहीं निकलता, तो ऐसे हालत में भी आप जमुनिया रख सकते हैं। लॉकेट पहनिए, अंगूठी पहनिए, पेंडेंट पहनिए, कुछ भी कीजिए, या फिर कुछ ना हो सके तो पिलो के नीचे रख लीजिए। फिर भी अगर ये आपको इफेक्ट करना होगा तो इसका अच्छा असर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में जहाँ मैं बना रही हूँ ये हलवा पूरी करी या कुछ और रेसिपीज, या फिर बात कर रही हूँ दवाइयों के बारे में या कोई ट्रीटमेंट। तो चलते हैं फिर, बाय।